इस वीडियो में हम असिस्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर का पेपर डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम 25 जून 2023 को हुई थी। इस एग्जाम को नायर द्वारा कंडक्ट किया गया था। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं, मालगाड़ी के परीक्षण की कितनी पद्धतियां हैं? हाउ मेनी सिस्टम्स आर देयर फॉर फ्रेट ट्रेन एग्जामिनेशन? सही उत्तर है 3। गाड़ी परीक्षक द्वारा मालगाड़ी का गहन परीक्षण करने के बाद लोको पायलट और गार्ड को उस स्थान से सुरक्षित संचालन हेतु बीपीसी यानी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट दिया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, बीपीसी को 3 कॉपीज में बनाया जाता है। एक कॉपी गार्ड तथा दूसरी लोको पायलट और तीसरी कॉपी गाड़ी परीक्षक के पास रहती है। तीनों प्रतियों पर लोको पायलट, गार्ड तथा गाड़ी परीक्षक के हस्ताक्षर होते हैं। बीपीसी प्रमाणित करता है कि ट्रेन में लगे हुए सभी डिब्बे परिचालन के लिए फिट है। ट्रेन में लगे हुए सभी डिब्बों में लदान हो सकता है तथा ट्रेन में पर्याप्त मात्रा में ब्रेक पावर है। मालगाड़ी परीक्षण की तीनों पद्धतियां स्क्रीन पर दिखाई गई हैं। क्लोज सर्किट रेक का बीपीसी, प्रीमियम रेक का बीपीसी तथा छोर से छोर तक का बीपीसी यानी एंड टू एंड रेक बीपीसी। ये 3 पद्धतियां मालगाड़ी परीक्षण की पद्धतियां हैं। विस्फोटकों को कितने वर्गों में बांटा गया है? Explosives are divided into how many classes? सही उत्तर है 7। ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक की एसी चेयर कार द्वितीय श्रेणी का कोड क्या है? The code for AC chair car second class of broad gauge coaching stock is? सही उत्तर है WSC ZAC। स्क्रीन पर कोच कोड्स दिखाए गए हैं। इस वीडियो को पॉज करके आप ये कोच कोड्स पढ़ सकते हैं। अगला सवाल है, कितने समय अंतराल पर रनिंग स्टाफ की समीक्षा की जाती है? एट व्हाट टाइम इंटरवल्स आर द रनिंग स्टाफ रिव्यूड? द करेक्ट आंसर इज 6 मंथ्स। इंजन ऑन लोड योजना के तहत BTPN प्रकार के वैगन को खाली करने का फ्री समय कब दिया गया है? फ्री टाइम फॉर अनलोडिंग ऑफ BTPN टाइप ऑफ वैगन अंडर इंजन ऑन लोड स्कीम इज गिवन एज? सही उत्तर है 5 घंटे। मंडल रेल प्रबंधक को कितने घंटे तक ट्रैफिक ब्लॉक देने का अधिकार दिया गया है? The powers to grant traffic blocks up to how many hours have been given to DRM? सही उत्तर है 4 घंटे। मेल, एक्सप्रेस, सुपर फास्ट ट्रेन्स में कितने डेड इंजन जोड़े जा सकते हैं? How many dead engines can be attached to mail, express or super fast trains? सही उत्तर है 1 dead engine ही जोड़ा जा सकता है। गाड़ी विभाजन होने पर लोको पायलट को सूचना देने के लिए गार्ड रात्रि में किस प्रकार की बत्ती का प्रयोग करेगा? Which light of hand signal will be used by guard in night to inform the loco pilot
एट द टाइम ऑफ ट्रेन पार्टिंग. द करेक्ट आंसर इज व्हाइट लाइट. जैसे ही गार्ड को ट्रेन पार्टिंग का पता चलता है तो वो ब्रेक यान का हैंड ब्रेक लगाकर पिछले हिस्से को रोकेगा तथा लोको पायलट का ध्यान आकर्षित करने के लिए दिन में हरी झंडी और रात में सफेद बत्ती ऊपर नीचे हिलाएगा. चालक इसकी पावती लंबी छोटी सीटी बजाकर देगा और फ्लैशर लाइट ऑन करके अगले हिस्से को तब तक चलाता रहेगा जब तक कि पिछला हिस्सा रुक नहीं जाता. ट्रेन पार्टिंग से रिलेटेड सेपरेट वीडियो चैनल पे अपलोडेड हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है. अगला सवाल है, यात्रा के दौरान लॉन्ग हॉल संचालन अगले स्टेशन से कब नहीं किया जाएगा? When will the long haul not be operated from the next station during the journey? सही उत्तर है वॉकी टॉकी खराब होने पर. स्क्रीन पर दिखाए गए में से कौन सा कथन सही है? Which statement is correct? सही उत्तर है थर्ड स्टेटमेंट. मालगाड़ी की ऑर्डरिंग को पुनर्निर्धारित या विलंबित किया जा सकता है. फ्रेट ट्रेन ऑर्डरिंग कैन बी रीशेड्यूल्ड और पुट बैक इज द करेक्ट स्टेटमेंट. NTKM किस प्रकार की इकाई है? विच टाइप ऑफ यूनिट इज NTKM? सही उत्तर है NTKM फंडामेंटल यूनिट है. सांख्यिकी यूनिट्स को तीन श्रेणियों में बांटा गया है, प्राथमिक इकाई यानी प्राइमरी यूनिट, मौलिक यानी फंडामेंटल इकाई तथा व्युत्पन्नात्मक यानी डेरिवेटिव यूनिट. सबसे पहले हम प्राथमिक यूनिट के बारे में जान लेते हैं. ये मूल यूनिट्स जिसमें समय, घंटा, दूरी और भार आदि मापे जाते हैं. स्क्रीन पर इसके कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं. दूसरा यूनिट है फंडामेंटल यानी मौलिक इकाई. प्राथमिक इकाइयों को गुणा करके संयुक्त कर दिया जाता है. ये परिवहन के उत्पादन, विक्रय तथा लागत का मूल्य बताती है. स्क्रीन पर इसके कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं. अगला यूनिट है परिणामात्मक यानी डेरिवेटिव यूनिट. दो प्राथमिक इकाइयों या प्राथमिक इकाई तथा मौलिक इकाई या दो मौलिक इकाइयों के अनुपात को व्युत्पन्नात्मक इकाई कहते हैं. इससे संसाधनों की उपयोगिता का पता चलता है. स्क्रीन पर इसके कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं. वीडियो पॉज करके आप ये सभी देख सकते हैं. अगला सवाल है, प्रतिबंध के बावजूद आवंटन किस स्तर पर नियंत्रित किया जाता है? अलॉटमेंट Despite restriction is controlled at. इसका उत्तर है क्षेत्रीय मुख्यालय स्तर यानी zonal headquarter level. विशेष श्रेणी के LC गेट का TVU कितना होगा? TVU और special class LC गेट shall be. सही उत्तर है greater than 50,000. दुर्घटना होने की तिथि से कितने दिनों में DAR की कार्यवाही पूरी की जानी चाहिए? Within how many days after the date of accident DAR action has to be completed? सही उत्तर है D+90. AC कोचेस राजधानी, शताब्दी और इसी तरह की प्रीमियम ट्रेनों के अलावा किसके रखरखाव और ट्रैफिक स्पेयर के लिए अनुमत अप्रभावी प्रतिशत है? The permitted ineffective percentage for maintenance and traffic spares of AC coaches other than Rajdhani, Shatabdi and similar premium trains are. The correct answer is 6% maintenance and 5% traffic. CATAT का पूर्ण रूप क्या है?
What is the full form of CADAT? The answer is Computer Aided Driver's Aptitude Test. गाड़ी कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम स्वदेशी रूप से विकसित एक स्वचालित गाड़ी सुरक्षा प्रणाली है जो गाड़ियों को किससे सुरक्षा प्रदान करती है। ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS इज एन इंडिजीनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम मीन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू ट्रेन्स अगेंस्ट व्हाट। द करेक्ट आंसर इज all of the given options, that is signal passing at danger, over speeding, collisions. RFID ka purn roop kya hai? Expand RFID. Correct answer is radio frequency identification. RFID is an emerging new technology which can revolutionize the railway working and improve the carrying capacity, the terminal capacity of the present system and optimizing the existing infrastructure in a very cost-effective manner within the shortest possible time. It will provide the necessary basis for precise future investments in infrastructure and procurement of rolling stock, improve average speeds of freight trains, better utilization of available rolling stock, especially the locomotives, and above all, provide excellent customer satisfaction through transparent information of train movements as well as hassle-free handling of payment of fares. The system would enable online data analysis and provide the advantages which are shown on the screen. Screen पर दिखाए में से कौन isolation का साधन नहीं है? Which among the following is not a means of isolation? The correct answer is skid. भारतीय रेलवे में isolation के 5 साधन दिए गए हैं। Sandhamm, derailing switch, long dead-end siding, short dead-end siding or scotch block. Loco outage kis tarah tayyar kiya ja sakta hai? Loco outage can be prepared. The correct answer is all of the given options. That is, loco outage can be prepared service-wise, शेड वाइज और ट्रैक्शन वाइज। लोको आउटेज किसी लोको द्वारा 24 घंटे में ट्रैफिक हेतु उपलब्ध समय को लोको आउटेज कहा जाता है। चूंकि डीजल और इलेक्ट्रिक लोको लंबे समय तक अपनी सेवाएं देते हैं और एक दिन में कई डिविजन्स को कवर भी कर सकते हैं, लोको आउटेज को अलग अलग कलर्स के बार चार्ट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। स्क्रीन पर लगने वाले समय का विभाजन किस तरह से किया जाता है उसे दिखाया गया है। स्टेशन संचालन नियम के मुख्य भाग पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं? मेन बॉडी ऑफ स्टेशन वर्किंग रूल इज साइंड बाय होम। Correct answer is officers of operating and signal department. En route station पर premium rake के अलावा सामान्य end-to-end air brake rake का brake power कितने प्रतिशत होना चाहिए? सही उत्तर है 75%. End-to-end BPC की वैधता loading से unloading तक यानी सिर्फ एक बार लदान हेतु होती है। प्रारंभिक स्टेशन पर ब्रेक पावर 90% होना चाहिए। मध्यवर्ती स्टेशन पर ब्रेक पावर 75% होता है। इस बीपीसी का रंग हरा होता है। लोडिंग तथा अनलोडिंग के उपरांत जीडीआर
चेक होना चाहिए। भारतीय रेलवे में प्रचलित न्यूनतम एक्सेल लोड मार्क क्या है? What is the minimum एक्सेल लोड रूट prevailing in Indian railways? सही उत्तर है 22 टन। स्टेशन संचालन नियम के किस परिशिष्ट में सिग्नलिंग तथा इंटरलॉकिंग सिस्टम और संचारण व्यवस्था का उल्लेख रहता है? सिस्टम ऑफ सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग एंड कम्युनिकेशन अरेंजमेंट्स इज मेंशन्ड इन विच अपेंडिक्स ऑफ स्टेशन वर्किंग रूल? सही उत्तर है अपेंडिक्स बी। स्टेशन वर्किंग रूल में 12 भाग तथा 8 परिशिष्ट होते हैं। स्क्रीन पर इसका विवरण दिखाया गया है, जिसमें परिशिष्ट बी में सिग्नलिंग एंड इंटरलॉकिंग एंड कम्युनिकेशन अरेंजमेंट का उल्लेख होता है। स्क्रीन पर दिखाए गए ऑप्शंस में से कौन सी लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन? सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, यानी जितने ऑप्शंस यहाँ दिखाए गए हैं ये लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन है। मालगाड़ी आदेश देने वाले संदेश को क्या कहते हैं? फ्रेट ट्रेन ऑर्डरिंग मैसेज इज कॉल्ड। सही उत्तर है ट्रेन नोटिस। रेलवे सांख्यिकी हेतु प्रयुक्त स्क्रीन पर दिखाए गए में से कौन सी प्राइमरी यूनिट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी यूनिट एज पर रेलवे स्टैटिस्टिक्स? सही उत्तर है किलोमीटर। इस प्रश्न की विस्तारित जानकारी प्रश्न क्रमांक 11 में सभी यूनिट्स की विस्तृत जानकारी दी गई है। ग्रीस जलने का गंध आना किस बात का लक्षण है? स्मेल ऑफ बर्निंग ग्रीस इज द सिम्टम ऑफ। सही उत्तर है रोलर बेयरिंग का जाम होना, सीजर ऑफ रोलर बेयरिंग। जब सामग्री गाड़ी दो ब्लॉक स्टेशनों के बीच चल रही हो और इंजन लीडिंग में हो तो इसकी गति कितने किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी? When running through between block stations and when running with the engine leading, the speed of a material train shall not exceed। सामग्री गाड़ी यानी material train वो विभागीय गाड़ी है जो केवल या मुख्यतः रेल के उस सामान को ढोने के काम आती है जो स्टेशनों के बीच या स्टेशन सीमा के अंदर उठाया या डाला जाता है अथवा निर्माण कार्य के निष्पादन में उपयोग होता है। मटेरियल ट्रेन का संचालन केवल दोनों ओर के स्टेशन मास्टर्स की अनुमति से और विशेष अनुदेशों के अनुसार ही किया जाएगा। सामग्री गाड़ी में कम से कम एक ब्रेक यान पीछे की ओर अवश्य रहना चाहिए। ब्लॉक सेक्शन में जाते समय जब इंजन आगे हो तो सामग्री गाड़ी की गति मालगाड़ी के लिए निर्धारित की गई गति से अधिक नहीं होगी। डबल लाइन सेक्शन में ट्रेन की अधिकतम गति घने कोहरे के दौरान स्वचालित क्षेत्र में कितने किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित होगी? द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ ट्रेन इन अ डबल लाइन सेक्शन shall be restricted to how many kilometer per hour during dense fog in automatic area? Correct answer is 10 kilometer per hour. Block instrument के संचालन के लिए योग्यता का प्रमाण पत्र कितने वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा? The certificate of competency for operation of block instrument shall be valid for a period of how many years? ब्लॉक सक्षमता प्रमाण पत्र यानी कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट प्रिंसिपल जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। ब्लॉक सक्षमता प्रमाण पत्र का मानक फॉर्म संख्या
T115 भी है। स्टेशन मास्टर को विभिन्न प्रकार के ब्लॉक उपकरण और पैनल पर कार्य करने हेतु इस कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। इसकी वैधता 3 वर्ष होती है। दुर्घटना राहत गाड़ी में स्क्रीन पर दिखाए गए में से कौन सी नियम पुस्तिका नहीं रखी जाती है? Which of the following rule book is not kept in accident relief train? सही उत्तर है ब्लॉक संचालन नियमावली यानी ब्लॉक वर्किंग मैनुअल को एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन में नहीं रखा जाता है। आपातकालीन स्थिति में CC+6 लोडेड वैगन को CC+6 के सिवाय किन मार्गों पर अनुमति दी जा सकती है? ये अनुमति किसके द्वारा दी जा सकती है? इन केस ऑफ इमरजेंसी CC+6 लोडेड वैगन्स कैन बी परमिटेड ऑन एक्सेप्टेड CC+6 रूट्स। परमिशंस कैन बी गिवन बाय हुम? सही उत्तर है PCE। महाप्रबंधक कुछ शर्तों के अधीन नॉन इंटरलॉक कितने दिनों तक मंजूरी दे सकते हैं? GM कैन सैंक्शन नॉन इंटरलॉक अप टू हाउ मेनी डेज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस? सही उत्तर है 3 दिनों तक मंजूरी दे सकते हैं। किसी मालगाड़ी दुर्घटना के मामले में दुर्घटना में शामिल वैगन्स को खाली करवाने के लिए सड़क परिवहन और श्रमिक व्यवस्था करना किसका कर्तव्य है? इन केस ऑफ अ गुड्स ट्रेन एक्सीडेंट अरेंजमेंट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड लेबर फॉर अनलोडिंग द वैगन्स इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट इज द ड्यूटी ऑफ हुम? द करेक्ट आंसर इज कमर्शियल कंट्रोल। रेल कक्षा ऐप में ग्रुप बी जैसे AOM, ACM, AME, APO तथा AMM इन सभी परीक्षा हेतु पाठ्य सामग्री उपलब्ध है तथा पॉइंट्स मन ग्रुप डी टू ग्रुप सी परीक्षा हेतु भी सभी नोट्स तथा MCQs उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, आज ही डाउनलोड कीजिए रेल कक्षा ऐप। रेल कक्षा, सफलता की ओर अग्रेसर। गार्ड की रफ जर्नल को कितने समय तक सुरक्षित रखना आवश्यक है? गार्ड्स रफ जर्नल इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिजर्व फॉर द पीरियड ऑफ। करेक्ट आंसर इज 3 years। बी क्लास 99 MACL स्टेशन में प्रथम रोक सिग्नल यानी होम सिग्नल तक शंटिंग करने के लिए ब्लॉक बैक आवश्यक है या नहीं? At a B class double line MACL station, while performing shunting up to the first stop signal in rear, that is up to the home signal, block back is required or not? The correct answer is block back is necessary. B class station पर ही station section होता है। दोहरी line पर block section तथा स्टेशन सेक्शन डीमार्केशन हेतु हर स्टेशन पर कुछ न कुछ लगा होता है। या तो प्रथम रोक सिग्नल के आगे पर्याप्त दूरी पर आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट होगा। अगर आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट नहीं है तो BSLV बोर्ड लगा होगा। यदि डबल लाइन पर आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट या BSLV से आगे शंटिंग करनी है तो पिछले स्टेशन से ब्लॉक बैक लिया जाएगा। ब्लॉक बैक में प्राइवेट नंबर पिछले स्टेशन से लिया जाता है और ब्लॉक को ट्रेन ऑनलाइन करने की जिम्मेदारी ब्लॉक बैक मांगने वाले स्टेशन की रहती है। पावर प्लान किसके लिए आवश्यक इंजिन्स की संख्या दर्शाता है? पावर प्लान इंडिकेट्स द नंबर ऑफ लोकोस रिक्वायर्ड फॉर। सही उत्तर है फ्रेट सर्विस। पावर रिक्वायरमेंट, पावर प्लांट टू बी प्रिपेयर्ड वंस इन अ ईयर।
एवरेज नंबर ऑफ ट्रेन्स रन ऑन ईच सेक्शन पर डे फॉर लास्ट ईयर ड्यूली साइंड बाय द पावर ऑफिसर एंड सीनियर DOM टू बी प्रिपेयर्ड. द पावर प्लांट्स आर फॉर्मुलेटेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द ट्रेन्स एक्चुअली रन सेक्शन वाइज. An additional 5% engine kilometers are added for anticipated traffic growth. WL board सभी संपार्क के पहले कितने किलोमीटर दूरी पर प्रदान किए जाते हैं? WL board is provided on the approach of all level crossings at a distance of how many meters? Correct answer is 600 meters. एक लोको पायलट या सहायक लोको पायलट को कितने दिनों पहले ही रजिस्टर में रिकॉर्ड करना चाहिए कि वो एक खंड में रोड लर्निंग में चूक कर रहा है? अ लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट शुड रिकॉर्ड इन द रजिस्टर हाउ मेनी डेज इन एडवांस दैट ही इज लैप्सिंग रोड लर्निंग इन अ सेक्शन. करेक्ट आंसर इज 15 डेज. प्रत्येक लोको पायलट और ALP शेड में मल्टीपल यूनिट इलेक्ट्रिक इंजन की जांच करने और उसे लेने के लिए कितने मिनट पहले साइन ऑन करेंगे? एवरी लोको पायलट एंड ALP शैल साइन ऑन हाउ मेनी मिनट्स इन एडवांस फॉर एग्जामिनिंग एंड टेकिंग ओवर द मल्टीपल यूनिट इलेक्ट्रिक इंजन इन द शेड? Correct answer is 45 minutes. सतर्कता आदेश की फाइल कितने महीनों की अवधि के लिए संरक्षित की जाएगी? Record file of the caution order shall be preserved for the period of how many months? The correct answer is it is preserved for 12 months. सैंड हम का सैंड में रेल का एक विस्तारित भाग है जिसकी बढ़ती ढलान कितनी होती है? सैंड हम इज एन एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ रेल इन सैंड विथ इंक्रीजिंग ग्रेडियंट ऑफ. द करेक्ट आंसर इज 1:60. स्क्रीन पर दिखाए गए में से किस जोन में 25 टन एक्सेल लोड रूट उपलब्ध नहीं है? इन विच ऑफ द शोन जोन 25 टन एक्सेल लोड रूट इज नॉट अवेलेबल? करेक्ट आंसर इज SCR साउथ सेंट्रल रेलवे. ब्रॉड गेज में ए क्लास ODC की अधिकतम गति क्या है? What is the maximum speed of A-class ODC in broad gauge? सही उत्तर है sectional speed. A-class ODC सामान्य गति से चलाई जाती है. B-class ODC 40 km per hour speed से चलाई जाती है तथा C-class ODC की गति 25 km per hour होती है. ETA कितने मिनट प्रति 100 किलोमीटर 130 किलोमीटर प्रति घंटे और उससे अधिक की गति वाले खंडों में प्रदान किया जाएगा? ETA at how many minutes per 100 kilometers shall be provided in sections having speed of 130 km and above? Correct answer is 8 minutes पर 100 किलोमीटर्स. यदि स्टेशन सीमा के बाहर दो गाड़ियों के बीच की दूरी कितने मीटर या अधिक हो तो उसे निवारित टक्कर नहीं माना जाता है. इफ आउटसाइड स्टेशन लिमिट्स डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन्स इज हाउ मेनी मीटर और मोर, सच ऑकरेंस मे नॉट बी ट्रीटेड एज अवर्टेड कोलिजन. Correct answer is
400 मीटर्स। सांकेतिक दुर्घटना के अंतर्गत निवारी टक्कर को एफ श्रेणी की दुर्घटना में वर्गीकृत किया गया है। निवारी टक्कर वो परिस्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा सतर्कता बरते जाने के कारण ब्लॉक सेक्शन में या स्टेशन सीमा में दो गाड़ियों के बीच या गाड़ी और अवरोध के बीच होने वाली टक्कर बच जाती है, तो उसे निवारित टक्कर कहते हैं। तथापि स्क्रीन पर दिखाई गई परिस्थितियों के अधीन घटनाओं को निवारित टक्कर नहीं माना जाएगा। स्टेशन सीमा के बाहर पूरी तरह से गाड़ी रुक जाने के बाद दो गाड़ियों के बीच या गाड़ी और अवरोध के बीच की दूरी 400 मीटर या उससे अधिक हो। स्टेशन सीमा में जब दो गाड़ियों के बीच या गाड़ी और अवरोध के बीच कोई रोक सिग्नल ऑन स्थिति में है और लोको पायलट द्वारा उसका पालन किया जाने से उनके बीच की टक्कर बच जाती है। संशोधित सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? द मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल इज कंट्रोल्ड बाय होम। सही उत्तर है एडवांस स्टेशन के स्टेशन मास्टर। ए श्रेणी ओडीसी के इंटर रेलवे संचलन की अनुमति कौन देता है? हु परमिट्स इंटर रेलवे मूवमेंट ऑफ ए क्लास ओडीसी। जिस पेशेंट का आयाम मानक चल आयाम से अधिक होता है उसे ओडीसी या इनफ्रिंजिंग स्टैंडर्ड मूविंग डायमेंशंस यानी ISMD कहा जाता है। ए क्लास ओडीसी का नेट क्लियरेंस 6 इंचेस या उससे ज्यादा तथा ग्रॉस क्लियरेंस 9 इंचेस या उससे ज्यादा होता है। ए क्लास ओडीसी चलाने की अनुमति जिस जोन से यह ओडीसी निकलने वाली है उस जोन के PCOM द्वारा तथा जिस जोन से यह ओडीसी गुजरने वाली है उस जोन के PCOM द्वारा दी जाती है। CRS द्वारा रेल दुर्घटना की जांच करना रेल अधिनियम 1989 की किस धारा में दिया गया है? इंक्वायरी ऑफ रेल एक्सीडेंट बाय CRS इज मेंशन्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ द रेलवे एक्ट 1989। करेक्ट आंसर इज सेक्शन 114। पॉइंट से डीरेलिंग स्विच की दूरी लगभग कितने फीट होती है? द डिस्टेंस ऑफ डीरेलिंग स्विच फ्रॉम द पॉइंट इज अबाउट हाउ मेनी फीट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 15। अगला सवाल है, लाइन क्षमता किससे अधिक होने पर अनुभाग को संतृप्त माना जाएगा? सेक्शन विल बी कंसीडर्ड सैचुरेटेड व्हेन लाइन कैपेसिटी एक्सीड्स। सही उत्तर है ऑप्शन 2, चार्टेड क्षमता का 90%। एक रेल सेवक को ड्यूटी में अथवा ड्यूटी से कितने घंटे पहले तक मदिरा, अन्य नशीली, बेहोशी, नींद लाने वाली या उत्तेजक दवाओं या उनसे बनी अन्य वस्तुओं के सेवन की मनाही है? अ रेलवे सर्वेंट इज डिबार्ड ऑफ टेकिंग एनी अल्कोहलिक ड्रिंक, सिडेटिव, नार्कोटिक, स्टिम्युलेंट ड्रग और प्रिपरेशन विद इन हाउ मेनी आवर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ हिज ड्यूटी or when on duty. Correct answer is option 2, 8 hours. मध्यकर्ण संशोधित अर्धस्वचालित स्टॉप सिग्नल किसके साथ इंटरलॉक किया गया है? The mid section modified semi automatic stop signal is interlocked with what? सही उत्तर है
ऑप्शन ए तथा ऑप्शन दो, पीछे के स्टेशन का लास्ट स्टॉप सिग्नल तथा स्टेशन का फर्स्ट स्टॉप सिग्नल अग्रिम में। शंटिंग लिमिट बोर्ड का एक विकल्प क्या है? अ सब्स्टिट्यूट ऑफ शंटिंग लिमिट बोर्ड इज, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, लास्ट स्टॉप सिग्नल। शंटिंग लिमिट बोर्ड यानी SLB बी क्लास सिंगल लाइन स्टेशन पर ही होता है। ये बोर्ड ब्लॉक सेक्शन तथा स्टेशन सेक्शन डिमार्केशन हेतु लगाया जाता है। सिंगल लाइन बी क्लास स्टेशन पर स्टेशन सेक्शन दोनों दिशाओं में यदि शंटिंग लिमिट बोर्ड लगे हैं तो उनके बीच के भाग को स्टेशन सेक्शन कहा जाएगा। यदि शंटिंग लिमिट बोर्ड के स्थान पर एडवांस स्टार्टर है तो उनके बीच के भाग को स्टेशन सेक्शन कहा जाएगा। यदि शंटिंग लिमिट बोर्ड या एडवांस स्टार्टर सिग्नल नहीं है तो दोनों दिशाओं में आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट के बीच का भाग स्टेशन सेक्शन कहलाएगा। अगला सवाल है, रेल संपत्ति का कितना नुकसान होने पर उसे गंभीर दुर्घटना माना जाएगा? हाउ मच लॉस ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी विल बी कंसिडर्ड एज अ सीरियस एक्सीडेंट? सही उत्तर है ऑप्शन तीन, 2 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान को सीरियस एक्सीडेंट माना जाएगा। साइन ऑन से साइन ऑफ तक के लिए पिछली बारी में 8 घंटे या उससे अधिक ड्यूटी करने पर बाहरी स्टेशन विश्राम कितने घंटे का होना चाहिए? द आउट स्टेशन रेस्ट इन केस ऑफ 8 आवर्स और मोर ड्यूटी फ्रॉम साइन ऑन टू साइन ऑफ इन द प्रीवियस ट्रिप शुड बी हाउ मेनी आवर्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, 8 आवर्स। मिनिमम आउट स्टेशन रेस्ट इन केस लेस देन 8 आवर्स ड्यूटी इन द प्रीवियस ट्रिप शुड बी 6 आवर्स फ्रॉम साइन ऑफ टू साइन ऑन। इन केस ड्यूटी इज 8 आवर्स और मोर देन 8 आवर्स देन 8 आवर्स रेस्ट टू बी गिवन। इन केस ऑफ शॉर्ट ट्रिप्स ऑफ लेस देन और इक्वल टू 5 आवर्स देन ड्यूटी परफॉर्म प्लस 1 आवर रेस्ट विल बी सफिशियंट। मिनिमम होम स्टेशन रेस्ट शुड बी इफ ड्यूटी परफॉर्म इन द लास्ट ट्रिप इज लेस देन 8 आवर्स देन रेस्ट विल बी ऑफ 12 आवर्स। इफ ड्यूटी इज 8 आवर्स और मोर देन इट विल बी ऑफ 16 आवर्स। इफ स्टाफ इज रिक्वायर्ड टू वर्क ट्रेन विथ लेस देन स्टिपुलेटेड रेस्ट देन breach of rest allowance is payable to running staff. Minimum number of rests in a month should be 5 of 22 hours or 4 of 30 hours including night in bed from 22 hours to 6 hours from sign off to sign on. रनिंग स्टाफ के लिए लगातार रात्रि ड्यूटी मुख्यालय की ओर अंतिम रात्रि ड्यूटी के साथ कितने रात्रि तक सीमित होनी चाहिए? कंटिन्यूस नाइट ड्यूटी ऑफ रनिंग स्टाफ शुड बी लिमिटेड टू हाउ मेनी नाइट्स विद लास्ट नाइट ड्यूटी टुवर्ड्स हेडक्वार्टर्स? सही उत्तर है ऑप्शन 2, 4 नाइट्स। लोको या पावर लिंक किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? लोको और पावर लिंक्स आर प्रिपेयर्ड बाय होम? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, हेडक्वार्टर्स ऑफिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लोकोमोटिव लिंक्स आर गिवन ऑन द स्क्रीन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर लिंक्स इज टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ पावर्स। लोको और
power links are prepared by headquarters office and circulated to the divisions. Train timings should be checked from latest timetable. Links to be prepared before commencement of new timetable. Efforts should be made to send the loco to home shed for servicing within the stipulated scheduled time. The maximum mileage of each home shed servicing should not exceed 4,000 to 5,000 km. Minimum possible outstation hours should be provided. Ensure loco is permitted to run on the sections at the maximum permissible speed of the train. Software Edit Train Schedule or and Network Governance Program किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? Software Edit Train Schedule and Network Governance Program is used for सही उत्तर है ऑप्शन वन सत्संग प्रोग्राम यात्री ट्रेनों की समय सारणी के लिए तैयार किया जाता है सत्संग का लॉन्ग फॉर्म है सॉफ्टवेयर एडेड ट्रेन स्केड्यूलिंग एंड नेटवर्क गवर्नेंस भारतीय रेलवे जैसे एक व्यस्त नेटवर्क के लिए समय सारणी को मजबूत करने हेतु इस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है जिसमें यात्रियों को सुविधा मिले रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा के तहत अधिमान्य यातायात आदेश जारी किया जाता है Preferential Traffic Order is issued under which section of Railway Act 1989? सही उत्तर है ऑप्शन 2 धारा 71 सेक्शन 71 सेक्शन 70 ऑफ रेलवे एक्ट अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन नो प्रायोरिटी or preference will be given to booking and transportation of goods. It will be done on first-come, first-served basis. Section 71 of Railway Act. According to this section, orders are issued by central government to railway administration from time to time for giving priority or preference to booking and movement of particular type of commodities goods in the interest of nation, interest of public, in general or for industrial development. It is published by central government in Gazette. Railway administration is informed of the same. Railway administration distributes the same to stations in the form of a booklet. Its validity is for 1 year. While granting priority route is decided and goods are carried by that route only. Color light distance signal को last stop signal, gate stop signal आदि के साथ जोड़ा जा सकता है. Color light distance signal may be combined with LSS, gate stop signal etc. under. Correct answer is ऑप्शन 1 अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन अनुमोदित विशेष अनुदेश जब IBS ऑन पर हो और यदि इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट पर टेलीफोन उपलब्ध नहीं है या खराब है तो लोकोपायलट सिग्नल पर कितने मिनट तक प्रतीक्षा करने के बाद सावधानी पूर्वक इसे ऑन पर पास करेगा When IBS is at on and if telephone is not provided or out of order at intermediate block post, locopilot after waiting for how many minutes at the signal shall pass it at on proceeding cautiously. Sahi uttar hai option 2 5 minutes. कोचिंग लोको के लिए लोको अनुरक्षण अनुसूची IB की आवधिकता कितनी है द पीरियोडिसिटी ऑफ लोको मेंटेनेंस स्केड्यूल IB फॉर कोचिंग लोकोस इज हाउ मेनी डेज
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, 80 प्लस और माइनस 3 डेज। जब नियंत्रण बाधित हो जाता है और नियंत्रक के साथ कोई संपर्क नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में गाड़ियों के संचालन और नियमन हेतु कौन जिम्मेदार होता है? When the control is interrupted and no communication with the controller is possible, who will be the responsible for the working and regulating of trains? सही उत्तर है ऑप्शन टू, स्टेशन मास्टर। बी क्लास ओडीसी का ग्रॉस क्लियरेंस कितना होता है? What is the gross clearance of B class ODC? सही उत्तर है 6 इंच या अधिक, लेकिन 9 इंच से कम, 6 inches or more, but less than 9 inches. सेक्शन कंट्रोलर द्वारा कौन सा रजिस्टर मेंटेन नहीं किया जाता है? Which register is not maintained by section controller? Train ordering book is not maintained by section controllers. बिजली के घरों के लिए कोयले के परिवहन को प्राथमिकता अनुसूची के तहत किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? Transportation of coal for powerhouses is categorized under which category under priority schedule? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री, प्रायोरिटी सी, प्राथमिकता सी। मूवमेंट ऑफ वैगन लोड ट्रैफिक इज रेगुलेटेड बाय व्हाट इज नोन एज द स्केड्यूल ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रैफिक, लेड डाउन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 71 ऑफ द रेलवेज एक्ट 1989 एंड इज डिजाइंड टू एंश्योर दैट सर्टन एसेंशियल कमोडिटीज एंड urgent movements are accorded necessary preference at a time when the available transport is not adequate to meet with all the demands. Traffic is classified into four categories, that are A, B, C and D. Commodities registered in the lower categories cannot have preference over those registered in the higher categories, although the former may have been registered much earlier. Priorities have been distinguished as shown on the screen. Priority A, it is for military traffic sponsored by MILREL and approved by Railway Board. Priority B, relief material for victims of natural calamities sponsored by an officer not below the rank of Deputy Secretary of Central or State Government or by a nominated non-government organization. Food grains and levy sugar for public distribution system or other welfare schemes sponsored by FCI, other commodities sponsored by central government agencies which are approved by Railway Board. Priority C, all programmed traffic approved by Railway Board or Zonal Railway under monthly or quarterly railway program. Priority D, all the traffic not included in priority A to C. Net ton kilometer prati engine ghante mein kami ka kya karan ho sakta hai? A decrease in net ton kilometer per engine hours may be due to what? Correct answer is option 1, increase in the proportion of unbalanced traffic. यदि कोई यात्री गाड़ी पिछले स्टेशन से उसके सामान्य चलने के समय की अनुमति देने के बाद कितने मिनट के भीतर नहीं आती है तो अग्रिम स्टेशन पर स्टेशन मास्टर तुरंत पीछे के स्टेशन और नियंत्रण को इस तथ्य के बारे में सूचित करेगा। If a passenger carrying train
does not arrive within how many minutes after allowing for its normal running time from the station in rear, the station master at the station in advance shall immediately advise the station in rear and the control of this fact. सही उत्तर है ऑप्शन टू, 10 मिनट्स। पैसेंजर ट्रेन निर्धारित चलन समय से 10 मिनट तक न आए तो उसे विलंबित माना जाएगा। निर्धारित चलन समय से 20 मिनट तक गुड्स ट्रेन न आए तो उसे विलंबित माना जाएगा। रेल दुर्घटना को कितनी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? Train accidents have been classified into how many categories? सांख्यिकी प्रयोजन के लिए दुर्घटनाओं को श्रेणी A से श्रेणी R तक वर्गीकृत किया गया है, जिसमें I तथा O शामिल नहीं है। वो सही क्रम जिसमें स्क्रीन पर दिखाई गई योजना या ड्राइंग तैयार की जाती है। The correct sequence in which shown plans or drawings are prepared. The correct answer is engineering scale plan, that is ESP, signaling interlocking plan, that is SIP, and station working rule diagram, that is SWRD. Loco pilot द्वारा ब्रेक फेल जांच कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर की जाती है? द ब्रेक फेल टेस्ट इज डन बाय लोको पायलट एट द स्पीड ऑफ हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, 15 किलोमीटर पर आवर। दुर्घटना राहत गाड़ी को निकालने का टारगेट टाइम कितना है? What is the target time for dispatching accident relief train? सही उत्तर है ऑप्शन 3, दिन में 30 मिनट और रात में 45 मिनट। मेडिकल रिलीफ ट्रेन निकालने का समय सिंगल एग्जिट वाली लाइन से 20 मिनट तथा डबल एग्जिट लाइन से 15 मिनट्स होता है। लॉन्ग हॉल संचालन के दौरान यदि एक रेक लोडेड और दूसरा खाली हो तब आगे कौन सा रेक होगा? ड्यूरिंग लॉन्ग हॉल वर्किंग इफ देयर इज वन रेक लोडेड एंड अदर इज एम्प्टी, सही उत्तर है ऑप्शन 1, लोडेड रेक विल बी इन फ्रंट। जब किसी रोक सिग्नल के नीचे शंट सिग्नल रखा गया हो तो ऑन स्थिति में ये कौन सा प्रकाश दिखाएगा? When a shunt signal is placed below a stop signal, it shall show which light in the on position. Correct answer is option 4, there will be no light. यदि लोको पायलट और गार्ड स्टेशन कर्मचारी के साथ सिग्नल आदान प्रदान करने में विफल रहते हैं और इस बारे में अगले ब्लॉक स्टेशन के स्टेशन मास्टर को रिपोर्ट किया गया तो अगले ब्लॉक स्टेशन का स्टेशन मास्टर क्या कार्यवाही करेगा? इफ लोको पायलट एंड और द गार्ड फेल टू एक्सचेंज सिग्नल विद द स्टेशन स्टाफ एंड द सेम हैज बीन रिपोर्टेड to the station master of the block station in advance, the station master of block station in advance shall, सही उत्तर है option 2, station master गाड़ी को रोकेंगे और गलती करने वाले कर्मचारी को लिखित चेतावनी जारी करेंगे। Stop the train and hand over a return warning to the defaulting staff. मस्टर रोल को उसके पूर्ण होने पर कितने समय अवधि के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए? The period for which muster roll should be preserved from the date of its completion.
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, परमानेंट रिकॉर्ड, स्थायी रिकॉर्ड। लोको आउटेज का सूत्र क्या है? फॉर्मूला ऑफ लोको आउटेज इज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, इंजन आवर्स फॉर ट्रैफिक यूज इन 24 आवर्स, 24 घंटे में यातायात उपयोग के लिए इंजन घंटे। सेकेंडरी स्टेज सस्पेंशन में डिफ्लेटेड एयर स्प्रिंग वाले एलएचबी कोच के साथ चलने वाली ट्रेन के मामले में ट्रेन को कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाने की अनुमति है? इन केस ऑफ ट्रेन रनिंग विद एलएचबी कोचेस विद डिफ्लेटेड एयर स्प्रिंग इन सेकेंडरी स्टेज सस्पेंशन, ट्रेन इज परमिटेड टू रन एट व्हाट किलोमीटर पर स्पीड? सही उत्तर है ऑप्शन 2, 60 किलोमीटर पर आवर। मिनी रेक के बारे में स्क्रीन पर दिखाए गए में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट मिनी रेक? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, मिनी रेक कैन बी लोडेड विथ आयरन ओर। मिनी रेक को लोह अयस्क के साथ लोड किया जा सकता है, ये कथन सही नहीं है। इंजन ऑन लोड योजना के तहत BCN प्रकार के वैगन को खाली करने का फ्री समय क्या दिया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, 6 आवर्स। बी क्लास डबल लाइन MACL स्टेशन में रियर ब्लॉक सेक्शन कहां समाप्त होता है? एट अ बी क्लास डबल लाइन MACL स्टेशन रियर ब्लॉक सेक्शन टर्मिनेट्स एट आइदर आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट और BSLB, दैट इज ऑप्शन 3, आइदर एट 1 और 2। PDD का पूर्ण रूप क्या है? What is the full form of PDD? Correct answer is option 3, pre-departure detention। गाड़ियों का यार्ड या स्टेशन से प्रस्थान पूर्व होने वाले विलंब को pre-departure detention कहा जाता है। इस pre-departure detention के कई कारण हो सकते हैं। स्क्रीन पर इन कारणों को दिखाया गया है। खंड नियंत्रक द्वारा ऑर्डरिंग का अनुमान सही नहीं देना, गाड़ी को स्टेशन या यार्ड में लेने में देरी होना, लोको पायलट या असिस्टेंट की साइन ऑन देर से करना, शंटिंग विलंब से होना, गाड़ी में CNW विभाग द्वारा सीक मार्किंग करना, शंटरों की यार्ड में कमी होना, आउटगोइंग इंजनों का समय पर लोड नहीं पहुंचाना, शंटिंग इंजनों की कमी होना, आउटगोइंग लोगों का सही समय से उपलब्ध न हो पाना, यार्ड में यार्ड कंजेशन होना, यार्ड की बनावट का सही नहीं होना, लोगों का फेल हो जाना, पाथ की अनुपलब्धता, सिग्नल एवं दूरसंचार की खराबी, अनुरक्षण हेतु ब्लॉक देना, दुर्घटना के कारण बाजू वाले मंडल द्वारा गाड़ियों को स्वीकार न करना, शंटिंग स्टाफ की कमी होना, यार्ड में सुविधाओं का अभाव, यार्ड की बनावट का सही नहीं होना। अनुभाग नियंत्रक एक समय में कितने कॉल कर सकता है? द सेक्शन कंट्रोलर कैन कॉल एट द सेम टाइम टू हाउ मेनी स्टेशंस? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, ऑल स्टेशंस, सभी स्टेशनों को। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने 25 जून 2023 को हुई AOM एग्जाम पेपर का टेक्निकल पार्ट देखा। अगले पार्ट में हम GK एंड ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी एंड रूल्स तथा एस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंशियल रूल्स का पार्ट कवर करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए
और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।